हेलो सीएसआईनेट एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ योर डूइंग परफेक्टली वेल। और आपके दिन को और अच्छा बनाने के लिए फाइनली सीएसआईआर ने नोटिस रिलीज कर दिया है। 2024 सीएसआईआर नेट जो एग्जामिनेशन है जून का, उसका नोटिफिकेशन आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन वी कैन सी फ्यू थिंग्स वेरी क्लियरली दैट एग्जाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू होने वाला है 1st of May 2024 से लेके 21st of May 2024 तक। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1st May 2024 टू 21st May 2024। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, फी पेमेंट फॉर द लास्ट डेट इज 22nd of May टू 23rd of May 2024। करेक्शन विंडो, मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसमें अगर कोई करेक्शन की जरूरत है, कभी कभी जरूरत पड़ती है कि बच्चे कभी फोटो ऐसे खींचते हैं कि उनके फेस क्लियर नहीं है, फेस में थोड़े बहुत अंधेरा ज्यादा है, या थोड़ा बहुत हो सकता है कि चश्मे का जो एआरसी कोटिंग का ग्रीन वाला जो पार्ट वो कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट है, इसकी वजह से फेस ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से कभी कभी हो सकता है कि वो लोग फिर से आपका फोटो मांग ले, आपके सिग्नेचर में कोई दिक्कत हो तो फिर से सिग्नेचर मांग ले, या कहीं पे अगर किस चीज ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपने गलती करी हो तो वो चीज वो लोग मांग सकते हैं। तो ये जो करेक्शन विंडो है वो होने वाला है 25th of May से लेके 27th of May तक। डेट ऑफ एग्जाम्स दे हैव डिक्लेयर्ड 25th, 26th एंड 27th of June। जून में 25th, 6th और 7th 2024 में उन लोगों ने डेट ऑफ एग्जाम डिक्लेयर किया है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑफ कोर्स 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, बट डेफिनेटली हम लोग पैटर्न के बारे में बात करेंगे ऑन द लेटर स्लाइड्स। उसके अलावा अगर मीडियम ऑफ पेपर की बात किया जाए सो इट विल बी बाइलिंगुअल पेपर, दैट इज इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड टोटल टेस्ट पेपर्स दे हैव डिक्लेयर्ड आर 5, दैट इज केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लैनेटरी साइंसेस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। एंड ऑफिशियल वेबसाइट जो है दैट इज http://csinet.nk.ac.in, या आप लोग www.nk.ac.in, डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि csinet एनटी ऑर्गेनाइज करता है तो यहां से भी तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जैसे ही तुम लोग उस साइट में विजिट करोगे दैट इज http://csinet.nk.ac.in, यहाँ पे देखना कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोल के एक चीज है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन में जाके इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हो। वहां पे तुम अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर का कोड क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारे के सारे चीज तुम वहां पे देख सकते हो। मैं भी बता दूंगा बट फिर भी तुम लोग वहां पे जाके देख लेना। उसके अलावा उन लोगों ने बोला है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी नेट जून 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट दिस ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। तो जो भी पीरियड बोल दिया गया है मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया है एप्लीकेशन प्रोसेस, 1st मई से लेके 21st ऑफ मई तक ड्यूरेशन है, इसके बीच में तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना पड़ेगा फॉर एग्जामिनेशन। दूसरी बात, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक बार ही तुम एप्लीकेशन कर सकते हो। इन नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर अप्लाइंग जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके एज कैसे होने चाहिए, आप डेफिनेटली आपका एमएससी होना चाहिए या आपका बीएससी होना चाहिए, क्या सिनेरियो है, ये सब कुछ चीज है। अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो एटलीस्ट कहां तक आपका डिग्री होना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड चेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो यहाँ पे बोल दिया गया है। एंड डेफिनेटली तुम यहाँ पे जा सकते हो एंड लाइक दिस साइट पे तुम जा सकते हो, इस साइट पे जाके तुम डेफिनेटली इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके ये सारे के सारे चीजें तुम देख सकते हो। बट फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि फिजिक्स के बच्चों के लिए क्या सिलेबस रहेगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, बट अगर फिजिक्स के बच्चों के लिए बात करूं तो डेफिनेटली मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन पार्ट ए, इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दिस इज द बेसिक थिंग्स जो तुम्हारा पार्ट ए में रहेगा। और अगर बी की बात करें, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इज आल्सो देयर, एंड अगर पार्ट बी एडवांस पार्ट की बात करें तो डेफिनेटली मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसके अलावा भी एडवांस फिजिक्स में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स आते हैं।
तो मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ उस साइट पे विजिट करो और विजिट करके तुम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे डिटेल सिलेबस को चेक करो। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो, तुम्हारा फिजिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, मैथमेटिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, जो भी साइंस हो, तुम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम वहां से चेक कर सकते हो, उसके अलावा तो बाकी चीजें यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर डेफिनेटली एग्जाम के लिए हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन हमारा फी कितना होगा? तो उस फी के लिए हमारे पास एक स्लाइड है। दिस इज बेसिकली द डेटा दैट इज गिवन बाय एनटीए टिल नाउ, कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन दैट इज जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज टू बी अटेंड बाय दिस वेबसाइट, and definitely last date for successful transaction is this 22nd of May से लेके 22nd of May से लेके 23rd of May, ध्यान रहे बच्चों, up to 11:50 PM। मैं तो कहूँगा जल्द से जल्द पेमेंट करके झमेला हटा। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो तुम्हें फी पेमेंट करना है वो क्या होगा जरा देख लो। जनरल कैंडिडेट के लिए फी जो रहेगा एप्लीकेशन फी दैट इज 1,150, तो उसको जो फी देना पड़ेगा 600। एंड अगर कोई एस्पिरेंट बिलोंग करता है एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से या थर्ड जेंडर कैटेगरी से, then they has to pay 325 rupees. तो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, for general category candidate the application fee is 1,150, for general EWS and OBC NCL category candidates the application fee is 600, and of course for SC, ST, PWD and third gender category candidates the application fee is 325 rupees. ठीक है, application कैसे पे करना है? The applicant can pay apply for payment through the net banking, debit card, credit card and UPI. Service charges for the concerned bank payments gateway integrator as applicable. Applicants can are advised to read the payment instructions carefully before paying the application fee. ये तो सारी चीजें हैं ही। अब इससे पहचानने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता दूं बच्चों का। अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो फिजिक्स के पेपर टोटल होता है तुम्हारा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस 200 मार्क्स डिवाइड होता है तीन सेक्शन में। एक रहता है तुम्हारा पार्ट ए, वन इज पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड रहता है। जनरल एप्टीट्यूड रहता है जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सो 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, तो 15 × 2 = 30 मार्क्स रहते हैं पार्ट ए में। फिर अगर मैं बात करूं पार्ट बी का, तो डेफिनेटली पार्ट बी में रहता है तुम्हारा फिजिक्स का जो 6 सब्जेक्ट है, लाइक बेसिकली वी कैन टॉक अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, देन योर इलेक्ट्रिसिटी, देन योर लाइक द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कोर्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस पार्ट बी में तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है 25, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 3.5, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इज योर 70 मार्क्स इन पार्ट बी। और पार्ट सी की अगर बात करें, पार्ट सी में तुम्हारा टोटल क्वेश्चन रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 30, जिनमें से सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और डेफिनेटली 20 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 5, तो 20 × 5 = 100। तो टोटल अगर तुम काउंट करोगे तो 30 + 70 = 100 + 100 = 200। तो दिस इज द टोटल एग्जाम मार्क्स पैटर्न। पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड है वहां पे 15 क्वेश्चन करते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो डेफिनेटली 30 मार्क्स। पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स, तो टोटल 70 मार्क्स। इन पार्ट सी यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 गिवन क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स इन पार्ट सी इज इक्वल्स टू 100। सो ऑल टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर इज 200। इसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कैसे देखने हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा साइट विजिट करवा के तुम लोगों को दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जरा
लैपटॉप के ऊपर या अपने स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, मैं डायरेक्टली साइट विजिट करा के दिखा देता हूँ। ओके फाइन, आई थिंक बच्चे लोग देख पा रहे हैं, आई थिंक यू ऑल कैन सी द स्क्रीन वेरी क्लियरली, कैन यू नॉट? फाइन, तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली तुम्हारा उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है, ये जो पब्लिक नोटिस आया था 1 तारीख को, ये 1st of May को जो नोटिस आया था, दैट इज दिस नोटिस। इन नोटिस में उन लोगों ने वेरी क्लियरली दे हैव मेंशनड इट दैट डिटेल्स ऑफ कोर्स कोड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, फी एटसेट्रा आर अवेलेबल ऑन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पोस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इवन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ज्वाइन सीएसआर यूजीसी नेट 2024 थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड थ्रू द वेबसाइट दिस। तो ये जो है तुम्हारा सीएसआर सेम 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 हाइपरलिंक है, इसको क्लिक कर देना तो ये साइट तुम्हारे पास खुल जाएगा। जैसे ही ये साइट खुल जाएगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन सी देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड इंफॉर्मेशन डाउन इंपॉर्टेंट डाउनलोड। तो इंपॉर्टेंट डाउनलोड में जाके तुम यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन कर सकते हो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ये देखो, इंफॉर्मेशन जैसे तुम जाओगे इंफॉर्मेशन में तुम्हारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जून 2024 है, इसमें क्लिक करना, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मैं थोड़ा सा तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखो यहाँ पे दिया गया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करा दिया गया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डेट्स एट अ ग्लांस, इंट्रोडक्शन अबाउट एनटीए जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, फैसिलिटीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिटेड मटेरियल्स, अनफेयर मींस प्रैक्टिस, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, जनरल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, क्वेरीज फॉर द रजिस्ट्रल सिस्टम एंड करस्पॉन्डेंस विद एनटीए। ओके, इसके बाद एनेक्स में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि तुम्हारा ओबीसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, लिस्ट ऑफ सिटीज किस किस सिटीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये सब चीजें तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, सिलेबस वगैरह देख लेना। यहाँ पे सारे के सारे चीज बहुत केयरफुली यहाँ पे दे दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करो, कहाँ से डाउनलोड करोगे, जो साइट मैंने बताया उस साइट में जाना, उस हाइपरलिंक पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना इन्फॉर्मेशन बोल के एक पार्ट है, इस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जून 2024 वाले में तुम्हें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एग्जाम फी, एग्जाम का सिलेबस, फिर तेरा ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एसएससी कैटेगरी सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर कैसा होगा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ओवर देयर। कैसे देना है, तुम्हारा इमेज अपलोड करोगे तो उस इमेज का तुम्हारा साइज कितना होना चाहिए, तुम अगर साइन अपलोड करोगे तो साइन का साइज कितना होना चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो, तुमने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है, अब तुम अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन, सो फॉर हियर यू हैव टू क्लिक हियर, ज्वाइन सीएसआर यूजीसी नेट जून 2024, ज्वाइन सीएसआर यूजीसी नेट जून 2024, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉग इन। तो जैसे ही तुम क्लिक करोगे ये साइट खुल जाएगा, खोलने के बाद पहले इधर मत आ जाना, पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर दिस, अच्छा एप्लीकेशन नंबर, ओके फाइन, तो तुम सीधा आ जाना यहाँ पे, यू हैवंट येट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑन दिस साइड यू कैन सी न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो पहले यहाँ पे रजिस्टर करोगे, फिर तुम यहाँ पे लॉग इन करके फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, सी यहाँ पे भी दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 1150 लाइक 1150, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट फॉर देम इट्स 600, फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इट्स 325, सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन ओवर देयर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो जो चीजें तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हें यहाँ पे बोल दिया गया है। देन यू कैन राइट क्लिक टू प्रोसेस, जैसे क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैंने पढ़ा है, उसके बाद क्लिक टू प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे ये सब चीजें तुम्हें बता दिया जाएगा। तो तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें लगेंगे, तो यहाँ पे ये तुम यहाँ पे दे देना, देने के बाद तुम यहाँ जैसे यहाँ पे नोट करोगे तो फिर यहाँ पे तुम लोग लॉग इन क्रेडेंशियल्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, फाइन, तो ये सारी चीजें तुम लोग को लगेगा। आई हैव पैन कार्ड एंड विश टू एंटर माय पैन, ओके फाइन, सो एवरीथिंग यू हैव टू टेक ओवर हियर। तुम यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हो, आधार नंबर देके जनरेट ओटीपी जनरेट करा सकते हो, फिर तुम शुरू कर सकते हो। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, तुम इस साइट में जाओगे एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है, डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ, डोंट यूज योर पेरेंट्स और रिलेटिव्स आइडेंटिटी टू क्रिएट लॉग इन एज योर आधार। तो डेफिनेटली तुम खुद का ही आधार कार्ड वगैरह यूज करना, अपने पेरेंट्स या किसी रिलेटिव का यूज मत करना जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करोगे।
तो रजिस्ट्रेशन पर प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहाँ पे जाके न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर, पहले रजिस्टर करोगे, अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा मेल पे, फिर उस एप्लीकेशन नंबर से लॉग इन करके पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद तुम एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो आई थिंक इसके बाद एक स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर पहला स्टेप है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा स्टेप है फी पेमेंट। तो ये हो गया तुम्हारा काम खत्म। तो ये करने के बाद Your thing is done. फिर उसके बाद थोड़ा सा चेक करना है, मैंने तुम्हें यहाँ पे भी बता दिया है कि उसके बाद एक तुम्हारा पोर्टल आता है जहाँ पे तुम्हें अपने डेटा को फिर से वेरीफाई कराना होता है, मतलब देखना होता है कि अगर तुम्हारा इमेज वगैरह सही है या नहीं, या कहीं भी कोई चेंज की जरूरत है कि नहीं, वो लोग बता देंगे अगर जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आई कैन टेल यू, जैसे कि यहाँ पे जो तुम्हारा पोर्टल है, मैं एक बार फिर से कैलेंडर पे एक बार दोहरा देता हूँ जो कैलेंडर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि यहाँ पे देख लो, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट इज 22nd ऑफ मे टू लेके मे से 23rd ऑफ मे, 22nd ऑफ मे इज लाइक 22nd ऑफ मे और 23rd ऑफ मे, बट तुम लोग कोशिश करना जल्द से जल्द, जैसे ही तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो उसी टाइम पे तुम अपना वो दे देने का, लाइक जो भी तुम्हारा लाइक फी है वो उसी टाइम पे कर देने का। फिर करेक्शन विंडो जो मैं कह रहा था 25th ऑफ मे टू 27th ऑफ मे, फिर डेट ऑफ एग्जाम्स इज 25, 26, 27th ऑफ जून 2024, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 hours, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पेपर केमिकल साइंस, आर्ट्स साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा वेबसाइट है। तो आई थिंक एक बच्चे के लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट था। अब तुम साइट में जाके खुद चेक कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करो, वहां पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन टू द डिटेल्स एंड टू द पॉइंट दिया हुआ है, उसको पढ़ो और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करो। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरीज देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो हमारा जो यहां पे लोग हैं दे विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू एंड दे विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने में कोई दिक्कत आ रहा है, किसी जगह पे समझ में नहीं आ रहा, देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।